गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप घर में हैं, स्वस्थ हैं। बच्चों, यहाँ पे हमने अब तक जो किया था वो था ग्रामर पार्ट लिया था, नाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, प्रोनाउंस, ये सारी चीज़ें हमने कवर करी थी। और अब से हम लिटरेचर पार्ट लेंगे। लिटरेचर पार्ट में सबसे पहला हमारा जितने भी चैप्टर्स हैं फर्स्ट टाइम हम उसको कवर करेंगे। तो आप सब अपनी बुक्स निकाल सकते हैं साथ साथ वीडियो के। जिन बच्चों ने बुक्स नहीं ली हैं वो जाके बुक्स स्कूल से परचेज कर सकते हैं। और आपका जो भी चैप्टर है आप बुक है अपना साथ लेके बैठेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो बच्चों, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर वाइज। एक पोयम है वाइज बाय एलिन फिशर के द्वारा ये पोयम लिखी गई है। तो आइए पढ़ते हैं इस पोयम में क्या है। Whoever planned the world was wise to think of land and sea and skies। तो यहाँ पे कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि whoever the planned, मतलब जिसने भी ये दुनिया बनाई, जिसने भी ये प्लान बनाया, the world was wise, जो ये वर्ल्ड है धरती बहुत ही वाइज है, बहुत ही समझदार है। टू थिंक ऑफ लैंड एंड सी एंड स्काइज, जो भी ये सोच सकती है लैंड सी स्काइज होने चाहिए धरती पे। तो जिसने भी ये बनवाया, जैसे हम कहते हैं, कोई कहते हैं भगवान ने बनाया, कोई कहते हैं यूनिवर्स ने बनाया, तो जो भी आप कहना चाहें, हम लोग इंडियन हैं तो हम भगवान ज्यादा भरोसा करते हैं, तो मैं भी भरोसा करता हूँ। तो यहाँ पे हम अगर हम लें तो ये कह सकते हैं कि भगवान ने बनाया, कि टू थिंक ऑफ लैंड सी एंड स्काई, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने सोचा धरती बनाने के लिए, पानी बनाने के लिए, समुद्र, स्काई, हवा, आसमान बनाने के लिए। टू प्लान अ सन एंड द मून दैट कुड बी मेड टू रन द वे दे शुड, तो चांद और सूरज बनाए ताकि वो इस तरह चले कि धरती का सर्कल जो सिस्टम है वो बढ़िया तरीके से चल सके, कि जब सूरज देवता आए तो चांद छुप जाए, जब चांद आए तो सूरज देवता छुप जाए। तो ये कहते हैं ना, दिन होती है, रात होती है, इसी में। बट हाउ डिड ही हैव टाइम फॉर ऑल द थिंग्स वी सी दैट आर सो स्मॉल, लेकिन हम देखते हैं कि वो इतना टाइम कैसे निकालते हैं, मतलब टाइम कैसे निकालते हैं, नहीं मतलब कि इतनी हमारे लिए तो इतनी बड़ी चीज़ें हैं तो उन्होंने कैसे किया होगा। तो एक कवि अपने द्वारा सोचने की कोशिश कर रहा है। लाइक फ्लावर्स इन द पार्क एंड फ्लेक्स ऑन द स्नो एज अ लिटिल स्पार्क द फ्लाइज शो, तो जैसे कि फ्लावर्स इन द पार्क, जो पार्क में आपने फ्लावर्स देखे होंगे, और फ्लेक्स ऑफ स्नो, जो बर्फ आपने देखी होगी कहीं, जो बर्फीले जगह पे आप गए होंगे तो बर्फ देखी होगी, चादर से ढक जाती है। एंड द लिटिल स्पार्क्स द फ्लाइज शो, और जो लिटिल स्पार्क, जो आपने फायर फ्लाइज देखी होगी उसके पीछे जुगनू कहते हैं उसे, जिसके पीछे थोड़ी सी लाइट जैसी चमकती है। तो कहते हैं कि भगवान ने कैसे बनाया होगा, कैसे सोचा होगा, कैसे प्लान किया होगा, कैसे अपना टाइम दिया होगा, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है भगवान ने जो इतनी आसानी से किया, और बहुत ही सुंदर तरीके से किया, बहुत ही समझदारी तरीके से किया, बहुत ही सिस्टम बना के किया ताकि एक लिविंग बींग्स रह सके, लिविंग क्रिएचर्स एग्जिस्ट कर सके अर्थ पे। तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान ने हमें ये बना के दिया। अब इसकी जो बैक एक्सरसाइज है बच्चों, हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। Who was the one who planned the world? हम कह सकते हैं God was the one who planned the world. Why did he plan the sun and the moon? He planned sun and the moon because sun gives us sunlight through which is required by all living creatures, for plants, animals, humans, everybody wants the sunlight. Life is not possible without sunlight. Okay, and the moon is given to provide. To provide, शीतलता प्रोवाइड करता है ना, ठंडक प्रोवाइड करता है। जैसे दिन होती है तो उसके बाद रात होती है, तो रात भी चाहिए हमें आराम करने के लिए, सोने के लिए। और रात की अपनी एक महत्वता है, दिन की अपनी एक महत्वता है, सब अपना अपना काम करते हैं। What are the small things he had made? कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो उसने बनाई है, जैसे फ्लावर्स हमने पढ़ा था ना, फ्लावर्स इन द पार्क, फ्लेक्स ऑफ स्नोज, बर्फ के ऊपर जो फ्लेक्स होते हैं, जो चादर से ढकी रहती है, और फायर फ्लाइज के पीछे जो लाइट होती है, लाइट उसमें जो पीछे पोएम में लिखा हुआ है, तो आप ये सारी चीजें उसमें लिख सकते हैं।
राइट फ्यू लाइन्स अबाउट द वन हु प्लान्ड द वर्ल्ड. गॉड के बारे में आप दो तीन लाइनें लिख सकते हैं. ही इज वाइज मैन, ही हैज मेड दिस वर्ल्ड वेरी ब्यूटीफुली, ही हैव गिवन टाइम एंड नर्चर्ड दिस वर्ल्ड वेरी ब्यूटीफुली. आप अपनी तरफ से ही लिख सकते हैं. कंप्लीट द सेंटेंस करके आपके ये पोएम में से लाइनें लिखी हुई हैं. तो पहला वर्ड दिया, आखिरी वर्ड दिया, तो इसमें से पोएम का लाइन आप कवर कर सकते हैं. तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ. टू थिंक ऑफ डैश एंड लैंड्स एंड सीज, सीज एंड स्काइज. तो यहाँ पे आप फिलिंग द ब्लैंक से, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है. आपको पोएम में से देखना है, ये लाइन ढूंढनी है और उसके फिलिंग द ब्लैंक्स करना है. थर्ड क्वेश्चन में राइट द राइमिंग वर्ड प्लैंड. आप राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हैं, वाइज, राइज, ऑल और कुड, शुड, ही शी, पार्क्स, पर्क्स, लिटिल और किटल, शो. उसके जैसा सिमिलर वर्ड, राइमिंग वर्ड आप बना सकते हैं और यूज द वर्ड इन द योर सेंटेंसेस. सेंटेंसेस आप बना सकते हैं वर्ड प्लैंड यूज करके. आपको ये मैं होमवर्क में देता हूँ, बहुत इजी चीजें हैं कि वर्ड यूज करना और एक सेंटेंस बनाना है. कोई भी आप प्लान कर, आई प्लान टू गो देयर, आई प्लान टू गो फॉर द दिस वेकेशन बट ड्यू टू द COVID-19 आई वॉज नॉट एबल टू गो. आप कोई भी अपना अपने मन से एक सेंटेंस बना सकते हैं. इसके आगे आपकी एक ग्रामर ग्राफ दे रखी है. पुट द इन्वर्टेड कॉमास वेयर नेसेसरी एंड पंचुएट द इक्वेशन. तो द टीचर सेड, हमें इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं जो हमने देखा होगा. तो टीचर सेड, फिर इन्वर्टेड कॉमा, द अर्थ एंड मूव्स राउंड द सन. किसी भी चीज को डिनोट करना हो, स्पेसिफिकली बताना हो, तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं. ये आपको पता ही होगा. ऑल नो इंडस्ट्रीज रिवॉर्डेड एंड गिड इज पनिश्ड. ऑल नोज इंडस्ट्रीज रिवॉर्डेड, मतलब यहाँ से बात शुरू हो गई इंडस्ट्री, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट में एंड हो जाएगा. तो ऐसी एक आपको करना है और इसकी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है. तो आपको ये अगला चैप्टर हमारे विवेकानंद का जी का है, तो बहुत ही सुंदर चैप्टर है, उसको हम अगली क्लास में लेंगे. तो यहाँ तक आपको ये होमवर्क है कि पोएम पढ़नी है अच्छे से, उसके जो बैक एक्सरसाइज वो अच्छे से करनी है. कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी आपको दिक्कत आती है, तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं. पर्सनली मैसेज मत करिएगा, ग्रुप में करिएगा, ताकि क्योंकि और किसी बच्चे का डाउट हो तो वो भी साथ साथ सॉल्व हो जाता है. वरना सब पर्सनली भेजते हैं तो मैं सबको एक ही चीज़ बार बार रिपीट करके भेजता रहता हूँ. तो जो भी अगर डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो ग्रुप में आप मैसेज करिए, मैं वहीं पर आपको सॉल्व करके दे दूंगा. ठीक है बच्चों, आप होमवर्क कर लीजिएगा और चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा. यही आशा करता हूँ. थैंक यू सो मच.